पिछले 2 दिन से एक ही चीज के इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से ये चीज आई है कि क्लीम मंत्र चैंट करने से हमें नेगेटिविटी मिलती है या क्लीम मंत्र को चैंट करने से क्या हमारे साथ नेगेटिव होता है। ये सारे डीएम्स में पिछले 1-2 दिन से बहुत ज्यादा रिसीव कर रही हूँ, तो मैं इसको लेके आपको क्लियर करना चाहती हूँ। हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल? एज यू ऑलरेडी नो, क्लीम मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो अट्रैक्शन का होता है। हमारी कोई विश जो हम बहुत टाइम से पूरी करना चाहते हैं या हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें अपनी लाइफ में एक अट्रैक्शन का शिकार बनना है, तो क्लीम मंत्र सबसे बेस्ट होता है। इस पर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं आपके अंदर ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। आप क्लीम मंत्र भी नहीं, कोई भी मंत्रा चैंट करते हो स्पिरिचुअलिटी का, कोई मंत्रा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। हर मंत्र को करने का अपना एक तरीका होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखाती हूँ कि पहले इंटेंशंस बोलो, उसके बाद मंत्रों की चैंटिंग करो। से योर इंटेंशन, लाइक इन माई केस, मैं चाहती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना है या मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब आ जाए, तो मैं ये इंटेंशन बोलूंगी लॉर्ड कृष्णा को, क्योंकि उनका मंत्र है, और मैं फिर इस मंत्र की चैंटिंग करूंगी 108 बार। मैं इसको लिख के भी कर सकती हूँ, इसको बोल के भी कर सकती हूँ, सेम ये आप लोगों के लिए है। दो चीजें कभी मत करा करो अगर आप मंत्रों की चैंटिंग बहुत ज्यादा करते हो, मतलब जब पीरियड्स चल रहे हो गर्ल्स के, तो मंत्रों की चैंटिंग नहीं करना चाहिए। सेकेंड, अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हो, तो नॉनवेज को खाने के बाद भी मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ये दो केसेस होते हैं जहां पे हमें मंत्रों की चैंटिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने अगर नॉनवेज खाया है, आप बात ले लीजिए, या नेक्स्ट डे जब आप अच्छे से क्लीन कर ले अपनी बॉडी, आप तब खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद या पीरियड्स के डेज में मंत्रों की चैंटिंग नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसके अलावा और कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है मंत्रों में। मैंने आपको ये बात हमेशा सिखाई है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, तो स्पिरिचुअलिटी भी करा करो, मंत्रों का भी जाप करा करो। हमेशा एक मंत्र अपनी लाइफ में बना लो जो आपको हमेशा जिंदगी भर उसकी चैंटिंग करनी है। उससे आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी को बहुत मैनिफेस्ट करते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब कभी हमारे साथ कुछ गलत होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है, जब हम मंत्रों की डेली बेसिस पे चैंटिंग करते हैं, तो ये चीज भी हमारी लाइफ से हटती जाती है। हम ब्लेसिंग्स का बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सिनेरियो को वेलकम करते हैं। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मंत्रों को चैंटिंग करने से नेगेटिविटी आती है या ये आता है। नो, इंटेंशंस क्लियर है, आपको पता है आप किस लिए चैंटिंग कर रहे हो, बस दिल से चैंट करो और अपने आप को थोड़ा खुश रखा करो जब आप मंत्रों की चैंटिंग करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है, जो मैं हमेशा बोलती हूं। जैसी आपकी एनर्जी होगी, वैसा आप दुनिया को देंगे और वही आप रिसीव करने लग जाओगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रहे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। आज रात को हम बनाने वाले हैं आज एक चेक जो हम यूनिवर्स को देंगे एज पर मैजिक प्रैक्टिस। तो आप ये चेक बना सकते हैं आज मेरे साथ, या पहले सीख लें, उसके बाद अब अगले दिन अपने घर पे बनाएं। अगर आप मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, क्लीम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो स्टे फ्री, एकदम आराम से रहिए एंड ये मंत्र की ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए फॉर बिकमिंग एन अट्रैक्शन। एक अट्रैक्शन बन जाइए अपनी जिंदगी में और हर चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मंत्र हर विश के लिए चैंट कर सकते हैं, एनी विश जो आप चाहते हैं, ये मंत्र सब कुछ आपको देता है, इसलिए इसका चयन करना तो बनता है। राधे राधे।